वगैरह इन्होंने कहा था आएंगे। ओके स्टार्ट करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्सरसाइज है। अब मैंने जो अंडरलाइन कर रखे हैं वर्ड्स, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है या वर्ड को देखना है, तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये डिपेंड करेगा सेंटेंस में उसे कैसे यूज किया है। जैसे ही kept the fast for a week। अब यहां fast क्या है, noun किसके है, the है। He kept the fast for a week। तो fast अपना noun हो जाता है, व्रत, द फास्ट। पर इसी को क्रिया बना दे तो लोग व्रत रखते हैं, वो भी फास्ट है, तो फिर वो कर्ता के तुरंत बाद आ जाएगा। मोहम्मदंस फास्ट मतलब व्रत रखते हैं इन द मंथ ऑफ रमजान। अब यहां वो वर्ब बन कर आया है ना, फास्ट सब्जेक्ट की बात आया ना, तो ये वर्ब बनकर आया है। ही तीसरा, ही इज द राइट मैन इन द राइट प्लेस। दो जगह राइट को अंडरलाइन किया है, ये क्या है, हाँ ये एडजेक्टिव है, क्योंकि मैन और प्लेस दोनों नाउन है, तो राइट मैन राइट प्लेस। देयर इज मच ट्रूथ इन व्हाट ही सेज। मच भी आपका एडजेक्टिव है, मच भी। देखो जिन चीजों को गिन सकते हैं वहां हम मैनी लगाते हैं। मेरे घर में बहुत सारी किताबें, देयर आर मैनी बुक्स। नदी में बहुत पानी है, अनकंफर्टेबल है ना वो, इसलिए मच वाटर। मच ट्रूथ, सत्य को गिन नहीं सकते ना, मच ट्रूथ की सत्तर सच। टोट पोस्ट टू मच, अलग अलग बताओ क्या है, कौन सा वाला और पीछे वाला। एक सेकेंड, डोंट पोस्ट टू को हटा दो, डोंट पोस्ट मच, समझाओ कैसे, कैसे एडजेक्टिव है ये समझाओ। मच किसकी बात कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, किस पे जा रहा है, पोस्ट पे। पोस्ट इस सेंटेंस में क्या है, वर्ब पे जाने वाला क्या होता है, तो मच आपका वर्ब एडवर्ब है और टू उस मच को मॉडिफाई करने वाला दूसरा एडवर्ब है। सिमरन इज दिस क्लियर टू यू, पोस्ट इज अ वर्ब, डोंट पोस्ट मच, मच इज द क्वांटिटी। How much of ghosting is actually happening? Too much, degree. It is hard to understand. Hard kya hai? It is hard to understand. Kya hai? तुम डाउटफुली क्यों जवाब दे रहे हो, जब मैंने इतना क्लियरली बोल रखा है इज अमार वर्ड के बाद कोई क्वालिटी आए तो एडजेक्टिव है। तो चार बार तो तुम लोग आंखें घुमा लेते हो, तो पता नहीं क्या है, वहां पेपर में कैसे चलेगा, पेपर में तो टाइम ही नहीं होता ना, इतना टाइम रखो कि ऑप्शंस को ढंग से पढ़ लो, बट
ये चीजें तो खट 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 जाना चाहिए। इस जबान बॉस वर्क के बाद क्वालिटी इज इक्वल टू एक्टिविटी। हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, अभी सुषमा ही बताएगी, मैन हु वर्क हार्ड एंजॉय लाइफ फुल्ली को भी अंडरलाइन करो। मैन हु वर्क हार्ड, उन्होंने हार्ड को अंडरलाइन कर लिया। मैं एक बार बता रही तुम्हें, मैं जिस तरीके की तुमको एक्सरसाइजेस करा रही हूँ ना, इससे टफ तो आरपीसी नहीं पूछेगा तुमसे। तुम इसको ढंग से देखो, इसको करो क्या है, क्लियरली कह रखा है, जब बात व्यक्ति पे जाती है, वस्तु पे जाती है, तो वो नाउन या एडजेक्टिव है, और जब बात क्रिया पर जाती है तो एडवर्ब है। शब्द क्या है ये? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं वर्क हार्ड क्या है, किस पे जा रहा है? हार्ड किस पे जा रहा है? किस पे जा रहा है? क्लियर नहीं है? मैन हु वर्क हार्ड, हार्ड किस पे जा रहा है? श्रद्धा जवाब तो गलत ही तुम बोलोगी। मैं कुछ नहीं करूंगी, खाऊंगी नहीं, गर्दन नहीं काटूंगी, 3 साल जरूर आएंगे मेरे माथे पे, उसको जेल में। किस पे जा रही है बात? हार्ड हिंदी में बनाओ इस वाक्य को। एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव कैसे है ये बताओ मुझे, हिंदी में समझाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है कि हार्ड और वर्क अपना नाम है ना, ये कहना चाह रही हूँ। इस सेंटेंस को देखो फिर मुझे तो ये बताओ कि वर्क का है, एंजॉय एंजॉय करो, और शुरू में हिंदी में वर्क भी वर्ब है, तो इस सेंटेंस में वर्क तो वर्ब है ना, हिंदी में बनाओ। मैं बार बार कहती हूँ तुम लोग सेंटेंसेस हिंदी में बनाओ, लोग जो कि ज्यादा मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड मेहनत करना, तो यहां पर क्या हो गया, हार्ड क्या हुआ, व्हाट इज हार्ड इन दिस? एडवर्ब क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये एडवर्ब है, एंजॉय लाइफ फुल्ली क्या है, फुल्ली क्या है? फुल्ली क्या है? यहाँ पर तुम लोग अटक हो गए। अगर तुम ईमानदारी से जब मैं पूछ रही हूँ, एडमिट ना करो कि मैम नहीं समझ में आया, इतना सा कह दो, उसके बाद मैं रास्ता निकालूंगी कि मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। नहीं समझ में आया, ओके लीव दिस। फुल्ली क्या है एडवर्ब में, सबको बाकी को समझ में आ रहा है, कितनों को एक्चुअली पार्ट, निक्की को तो नहीं आ रहा, क्योंकि आज सुबह उसने ये पूछा है ऑप्शंस क्या क्या, मतलब क्या क्या निकालना है, सब कुछ निकालना है, पूरा व्हाट्सएप निकालना है, इसका पूरा एक एक सेंटेंस को हमको देखना है क्या है किस पे, है ना। निक्की को भी आ जाना चाहिए था, नहीं है, कोई बात नहीं छोड़ो, मैं किसी दिन तुम्हें बाद में एक घंटा रोकूंगी, रुकना पड़ेगा, अंडरस्टूड। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। अब मुझे डेंजरस भी बताओ, लर्निंग भी बताओ, लिटिल भी बताओ। गिव मी अ पेन प्लीज। कॉपी लेके कॉपी पे ढंग से करो, कॉपी लेकर A little learning is a dangerous thing.
a little learning is a dangerous thing. कौन इस सेंटेंस के वन टू थ्री ऑल थ्री को दिव्या कैन डू इट वेरी गुड आई नो यू कैन क्लियर है अपन को प्रमिला डाउटफुल है ना क्यों डाउट अब थोड़ा सा देखो अब जब ऐसे अटकते हो ना जब तुम लोग ऐसे अटकते हो तो इस सेंटेंस को तुम हिंदी में करो अब तुम हिंदी में इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक्चुअली उस लर्निंग में आके अटक गए तुम्हें सेंटेंस के बाद वाला हिस्सा समझ में आ रहा है इज अ डेंजरस थिंग खतरनाक चीज है ये समझ में आ रहा है खतरनाक चीज है ये समझ में आ रहा है अब प्रश्न पूछो तुम वाक्य से ही प्रश्न पूछो तुम्हें वाक्य ही जवाब दे देगा क्या है खतरनाक चीज क्या है खतरनाक चीज सेंटेंस क्या कह रही है क्या है खतरनाक चीज प्रमिला हाँ 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 क्या है कम हाँ अ लिटिल लर्निंग पूरा क्या का जवाब दे रहा है क्या का जवाब क्या दे रहा है हाँ लिटिल समझ में आ गया लिटिल नाउन है एक सेकंड देखो क्या का जवाब क्या है खतरनाक क्या है खतरनाक तो अ लिटिल खतरनाक है लर्निंग खतरनाक है क्या का जवाब तुम्हें क्या दे रहा है पूरा दे रहा है ना अ लिटिल लर्निंग अ लिटिल लर्निंग पूरा दे रहा है ना जवाब क्या है खतरनाक अ लिटिल लर्निंग तो इसका मतलब अ लिटिल लर्निंग पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है क्या का जवाब देने वाला नाउन होगा नाउन फ्रेज होगा इसको का वगैरह किया है अपने मैंने तो ये पूछा है एक एक शब्द पूछ लिया वो तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो अच्छा मैं क्या करती तो तुम कंफ्यूज नहीं होती मुझे ये भी बता दो अगर मैं लर्निंग पूछती तो तुम्हें समझ में आ जाता हाँ तो क्या का आंसर लर्निंग है तो लर्निंग क्या है क्या का आंसर कौन देता है नाउन देता है तो लर्निंग नाउन है ये बात क्या पूरा नाउन है अ लिटिल लर्निंग पूरा नाउन है ना नाउन फ्रेज हो गया पूरा नाउन अ लिटिल लर्निंग पूरा नाउन फ्रेज हो गया अब इसमें लिटिल अकेला क्या है लिटिल अकेला क्या हो गया हमने एमएचएफ किया था अ रेड बॉल उसमें बॉल क्या था वो नाउन है बॉल रेड क्या था क्या है एडजेक्टिव वैसे लर्निंग तुम्हारा नाउन है लिटिल क्या है अंडरस्टूड जब जहां अटकते हो तो क्रिया में रुक जाओ क्रिया पर रुक जाओ इज अ डेंजरस थिंग इज अ डेंजरस थिंग इज अ डेंजरस थिंग में खतरनाक चीज है क्या खतरनाक चीज है अब तुम कह रहे हो लर्निंग खतरनाक चीज है तो अपन सब वहां भूल के जो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं अब लर्निंग ही कर रहे हैं है ना वो नहीं है खतरनाक चीज पूरा अ लिटिल लर्निंग खतरनाक है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है इसलिए वो आधा अधूरा का सेंस देने वाला शब्द लिटिल थोड़ा बहुत आधा अधूरा कुछ कुछ वो एडजेक्टिव है जो लर्निंग के बारे में हमें कुछ बता रहा है ओके तुम कंफ्यूज इसलिए हुए क्योंकि वो आईएनजी है और तुम्हें समझ में नहीं आया कि आईएनजी क्या चीज है इट्स लुकिंग लाइक अ वर्ब जब भी इज
से बाद वॉज वर्ब के बगैर आईएनजी आए तो वो दो में से एक होगा, या तो वो पार्टिसिपल होगा एडजेक्टिव का काम करने वाला, या फिर वो जेरंड होगा। तो क्या का जवाब देता है, ये जेरंड है, क्या का जवाब देता है? ठीक है, हम प्रेपोजिशंस लिख डालें, हम प्रेपोजिशंस लिख डालें एंड मंडे ट्यूसडे में निपट जाएगा। वेंसडे को 12 बजे से 5 बजे 6 बजे यहीं बैठे रहेंगे। जिनको घर जाना है वो जा सकते हैं, जिनको क्लियर है वो जा सकते हैं। मैं केवल आप केवल ये पार्ट ऑफ स्पीच जेरंड पार्टिसिपल फलाना दिमाग का अंडरलाइन दे क्या आ रहा है, 5-6 घंटे बैठोगे आप। श्रद्धा उस दिन कुछ भी हो जाए, यू डू नॉट हैव टू टेक छुट्टी, नहीं करना छुट्टी। एंड प्लीज टेल सुहासी खत्म हो जाएंगे 12 दिन तक, 8 घंटे का, बिकॉज मिस करेंगे तो आपको ऊपर से भी छुट्टी निकल जाए, इतने दिन तक तो चल जाए। और निक्की को मैसेज करो कि वेंसडे को आना ही आना है ना, उस दिन शाम की क्लास नहीं होगी, शाम वालों को आगे कह दूंगी कि 12 से आना है, 12 से 5 का बना रहे हैं अपन। जिनको उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाना, और जिनको जाना है तो जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब टेंशन मत करो पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो। अ लिटिल लर्निंग, लिटिल लर्निंग के बारे में कुछ बता रहा है, और लर्निंग क्योंकि क्या का जवाब दे रहा है इसलिए वो नाउन है। इज अ डेंजरस थिंग, अब डेंजरस क्या है प्रमिला, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो थिंग के बारे में बता रहा है और थिंग हमारा नाउन है। ही इज लिटिल नोन हियर, he is little known here. अब मैंने तुम्हें अभी क्या है known, क्या है known, क्या है known, अगर verb होगा, अगर known verb होगा तो वो इस लिटिल पूरा सब्जेक्ट हो गया, वहां इस जो आ रहा है इतना बड़ा सारा इस आ रहा है ना, इस एमान वॉज वर्ब के बाद आने वाला क्या होता है एडजेक्टिव होता है। पीपल नो हिम, he is known, तुमने उस हिसाब से he is little known, तुम उसको verb passive के हिसाब से verb मान रहे, तो little क्या हो जाएगा, चलो verb है तुम्हारे हिसाब से, passive से तुम देखो तो बिल्कुल verb है। अब little क्या हुआ, verb के बारे में बताने वाला क्या होता है, adjective तो किसी भी सूरत में नहीं है, इसको टिक लगा के रखो, इस तरह के सेंटेंसेस में कराओगे। द डोर इज हाफ क्लोज्ड, लिखो द डोर इज हाफ क्लोज्ड, द डोर इज हाफ क्लोज्ड। क्या है एडजेक्टिव, हाफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन, तो इसमें नाउन या प्रोनाउन कहाँ है, क्लोज को तुम नाउन या प्रोनाउन बताओगे, वही तो है एडजेक्टिव है ना।
क्लोज्ड है, क्लोज्ड ही नोड है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला हाफ क्या होगा? एडवर्ब होगा। चलो, इट मैटर्स लिटिल व्हाट ही सेज। Better adjective है, any adverb हो जाएगा।
He spoke in a loud voice. Loud आपका adjective हो जाएगा. Loud आपका adjective हो जाएगा. Do not speak so loud. So adverb to loud. Do not speak. मैंने loud को अलग अंडरलाइन किया है, सो को अलग अंडरलाइन किया है, तुम लोग उसको एडजेक्टिव बता रहे हो. स्पीक से जा रहा है, स्पीक पे जा रहा है. सो तो है ही एडवर्ब, लाउड भी एडवर्ब है. मोस्ट पीपल लाइक दिस. मोस्ट क्या है? एडजेक्टिव. दिस क्या है? प्रोनाउन है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. आई विल टेक सम बट नॉट ऑल. मैं रोज 20-20 भेजू ग्रुप में, पर पहले एक दिन तुम लोग लंबा बैठ के सीख लो मैं सिर्फ फिक्र पाऊँ, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक पे अटक रहे हो ना. I will take some. अब सम, आई विल टेक सम. कोई नहीं बोलेगा सम क्या है. सम एडवर्ब है. आई विल टेक सम, सम एडवर्ब है. एवरी वन इज अग्री सम इज एडवर्ब. इज एवरी वन अग्री दैट सम इज एडवर्ब? सेंस क्या निकला? जल्दी वाला वर्ड कीड़े को
पकड़ लेगा। लेट वाले बर्ड को तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि जल्दी वाले सारे बर्ड ने सारे कीड़े पकड़ के खा लिए, अब कीड़े के बच्चे। हम किसी चीज को मतलब हम फुर्ती दिखाते हैं, तत्पर रहते हैं किसी काम को करने को, अलर्ट रहते हैं, टाइम पर काम करते हैं। वो चीज हमें मिल जाए, हम सोए पड़े रहते हैं, औरों को मिल गया हम तो बैठे रह गए, अर्ली बर्ड को मिल गया, लेट वाले तो सारे भूखे बैठे रह गए। समझ में आई? चलो, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ऑल इज नॉट लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। ऑल क्या है? प्रोनाउन। लॉस्ट क्या है? एडजेक्टिव लॉस्ट। ऑल इज नॉट लॉस्ट, नॉट उस लॉस्ट के बारे में कुछ बता रहा है, एडवर्ब हो जाएगा नॉट। व्हाट डज इट मैटर, जैसे हम प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्न पूछने वाला प्रोनाउन है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि नॉनसेंस नाउन है, और दिस क्या है? प्रोनाउन है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। What was that noise? What क्या है? Interrogative pronoun. और that क्या है? Demonstrative adjective. क्यों? क्योंकि noise noun है. Set it right. Right क्या है? Set it right. What is right? What is right? What is right? How do I have to make it? नहीं, वो एक अलग चीज है, right wrong. पर यहां कह रहा है इट इज राइट, इट इज रॉन्ग, एडजेक्टिव है। इट इज राइट, इट इज रॉन्ग, है ना? ये इट इज द रॉन्ग आंसर, इट इज द राइट आंसर, सब एडजेक्टिव है। पर यहां वर्ब है सेट करो, सेट करो सही उसे। कैसे करो? करो पे जा रही है बात। सेट इट राइट पर सेट तो वर्ब है ना, सेट इट राइट, यू मेक इट। सेंटेंस को दोबारा एक तरीके से लिखो, बनकर आया है।
He did his best. Now. Now then, my, your, his, her. इसके बाद आने वाला शब्द best noun हो गया. My best, my dog, my cat, my house, my car, my best. जैसे वो right wrong एक आ गया right answer wrong answer. Rich people के लिए the rich आया ना, वैसे ये adjective noun बनकर आ गया. I like this best. I like this best. Best किस पे जा रहा है? हाँ? किस पे जा रहा है? कौन से word पे जा रहा है? हाँ, this पे जा रहा है. I like this best. Best this पे जा रहा है क्या? Like पे जा रहा है ना, like पे जा रहा है ना. सबसे ज्यादा पसंद क्या है? ये like, ये adverb है best. और दूसरा देखो, she is my best friend. इसमें best क्या है? पढ़ी क्या पिशवानी? मैंने कब बोला था? ओ देवी, best friend. मेरे सिर पे टोपी बना दी इसने. मेरी बात सुनो. मैंने कहा था जैसे the rich, तो adjective rich noun बनकर आ गया. The rich, the poor, the good, the bad, वो वाला है ना. ओ सुन, उसमें noun गायब है, इसलिए असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बन के बैठ गया. पर बेस्ट फ्रेंड में तो मैनेजर बैठा है ना, फ्रेंड. अब बेस्ट तो उस फ्रेंड के बारे में कुछ कह रहा है ना, तो बेस्ट क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव. द हेवंस आर ऊपर, ऊपर नीचे बाहर अंदर एडवर्ब. Analyze the above sentence. Adjective, sentence, noun है. ठीक है? All spoke in his favor. All क्या है? Favor क्या है? Favor पे underline करो. लाओ. Favor क्या है? शिवानी, favor क्या है? Noun. इस माय आया ना, नाउन है. समझ में आई? अब क्लियर हो गया. मैं एक चीज बताऊं तुम लोग, शिवानी स्पेशली, कुछ बच्चे जो कहते हो मेरे से, तुम ही नहीं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि घर पे पेरेंट्स पीछे पड़े रहते हैं ना, तुम कुछ नहीं कर सकते, करते हैं ना. वही तुम्हारी मैम आजकल कर रही है या नहीं कर रही है? साल भर तुम्हें दिख रही, अब लास्ट मिनट में दिख रहा है ना. क्या दिख रहा है वो? एक्चुअली क्या होता है? वो डर होता है, इसलिए उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए. ऊपर से निकालो अभी घर पे, बहुत मैं ही तब पीछे पड़ रही हूँ, तुम्हारे घर वाले तो खा ही रहे होंगे तुमको. उसको ऊपर से निकल जा दो, सुनना ही मत है ना. इधर सुनो, उधर निकाल दो, ठीक है ऊपर जो देखिए. चलो, he was all alone when I saw him. इसमें all भी क्या है और alone भी क्या है? Alone क्या है? मत बोलो. Alone adjective समझ में आ रहा है? इसे मार पॉस्टर के बाद आने वाला alone adjective है ना? All क्या है? All alone तो adjective है और all pronoun है. समझाओ कैसे?
लिसन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन आरपीएससी देती ही क्यों है? क्योंकि इंग्लिश में फर्स्ट डे जब मैंने क्लास शुरू की थी तब मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मेरी बेटी के सामने बैठी हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं अपनी सहेली के सामने बैठी हूँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मैं हूँ। वो लेबल अलग अलग हो जाता है रिश्ते के अकॉर्डिंग, बोला था ना फर्स्ट डे। तो ऑल को देखकर ब्लाइंडली प्रोनाउन मान रहे हो, तो नाउन हो गया। इस एमान वॉज वर के बाद नाउन आता है, तो अलोन क्या हुआ? नहीं, गलत बोलो, जितना दिमाग में गलत है सारा निकाल दो ताकि मेरे को समझ में आए तुम लोग करते क्या हो, तो मैं ठीक करूं उसको। देख शिवानी, he was alone, मेरी बात सुन, he was alone, तुम ये छाट पाए कि alone adjective है, कितना alone, पूरी तरह से alone, बात alone पर गई है, adverb, all adverb हो गया, is it clear? सभी के साथ ही attention, जितना मन कर पूरी क्लास की हालत है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। He was all alone by myself. All men are mortal. All men are mortal. अब all के बाद men आ रहा है संज्ञा, तो all यहाँ adjective हो गया। Mortal क्या हो गया? Is a man was word के बाद आने वाला, तो adjective भी होता है mortal. Are there any witnesses present? Any क्या है? एनी क्या होगा? हाँ, एडवर्ब होगा एनी, तो फिर किसको मॉडिफाई कर रहा है एनी? और फिटनेस क्या है सेंटेंस में? नहीं, फिटनेस क्या हो रहा है? आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट में विटनेस क्या है? फिटनेस तुम्हें वर्ब लगता है, क्यों लगा बताऊं? क्योंकि तुमको गवाही देना वगैरह को फिटनेस मान रहे हो। मेरी बात सुनो, वर्ब का कभी प्लूरल होता है? ये शब्द को देखो, ईएस लग रहा है ना, बहुवचन है ना, बहुवचन किसका बनता है? नाउन का बनता है, विटनेसेस नाउन है, और विटनेसेस नाउन के बारे में बताने वाला एनी क्या है फिर? तुमने वर्ब बनाया, मैं समझ रही हूँ, पर मैं आरपीएससी में के पेपर में तो आगे कहूंगी नहीं ना कि शिवानी ये प्लूरल है, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। इसलिए तुम देखो विटनेस को, अगर इसीलिए मैं कहती हूँ तुम चौकर ना हो के पेपर दो, प्लूरल कर रखा विटनेस को, उसी से आइडिया लगना चाहिए नाउन है। आई बात समझ में आ जाए? छोड़ो, ये 35 सेंटेंस आप घर पे करोगे आज, ये 35 सेंटेंस आप घर पे करोगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा दोबारा ही 35 कोशिश करो, और हम मंडे को प्रेपोजिशंस बढ़ाएंगे। लिसन, हम मंडे को प्रेपोजिशंस 50% से ज्यादा खत्म हो जाएगा, मंडे और ट्यूसडे पे प्रेपोजिशंस पूरा हो जाएगा। मेरी बात सुनो, जो बचेगा टाइम उस पे मैं ये रिपीट कराऊंगी, बाकी 15 में ये और 20 और भेज दो, ठीक है? इसे जब हम तुम बताओ, तुम मुझे बताओ क्या होगा? तुम्हें पता है कि प्रेजेंट नाउन है, नाउन है, तो नाउन है तो कैसे है ये भी समझाओ। वीडियो प्रेजेंट बंद कर दो।